मैम आपकी 2020 की तैयारी चल रही है, किस तरह चल रही है आपकी 2020 की तैयारी? जी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। पूरे भोरे विधानसभा क्षेत्र का मैं दौरा कर रही हूँ, हम सभी मिल के दौरा कर रहे हैं, एक एक घर एक एक जगह हम लोग जा रहे हैं। और 2020 में हम लोग पूरी तरह से मैदान में आने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के लोगों का भोरे विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो मैं निश्चित ही यहाँ से अपने प्रयासों द्वारा भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करूंगी। विपक्षी पार्टी को जैसे किस तरह से आप मात देंगी? जी विपक्षी हम लोग पूरे जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे नेता जो हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनका बहुत ही है मेरे हम लोग के साथ वो हैं, और हम सभी एकदम पूरे तरह से प्रयासरत हैं कि हर प्रकार से हम लोग विपक्षी को मारते। इन्हीं मैं लगी हुई हूँ विधानसभा क्षेत्र से, भोरे विधानसभा क्षेत्र से, और मैं यहाँ के सभी तमाम वरिष्ठ जितने भी हमारे गणमान्य यहाँ की जनता हैं सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और नव वर्ष की मंगल कामना करती हूँ कि यहाँ के सभी लोग नव वर्ष में मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद। आज भोरे विधानसभा क्षेत्र का हम लोग दौरा कर रहे हैं और दौरा करते हुए मैं अनीता भारती जनसंपर्क स्थापित किए हम लोग और सब लोगों के मन की बात को जानने का कोशिश किया कि भाजपा सरकार के प्रति NRC और CEA के प्रति क्या विचार है। सभी चिंताजनक है, लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया दी है इसके प्रति, तो हम लोग इसके प्रति काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि ये वर्ष सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो, मंगलमय हो, और साथ ही गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामना देती हूँ मैं। जय हिंद। मैं डॉक्टर गामा प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हूँ पंचायती राज प्रकोष्ठ का। आज मैं भावी विधानसभा प्रत्याशी अनीता भारती के साथ भोरे विधानसभा का दौरा किया, साथ में भोरे प्रखंड अध्यक्ष नाम रविंद्र राम जी, छोटेलाल यादव जी एवं राम बहादुर भाई, श्याम बहादुर भाई के साथ तमाम लोगों के साथ मैंने लामी चौर बाजार में पहुंचा और मीडिया के भाई से हमको मुलाकात हुई जहां पर इस लाइव को चलाया जा रहा है। मैं विधानसभा का दौरा करते हुए लोगों से संपर्क करते हुए पाया कि लोगों के बीच में भाजपा सरकार के द्वारा जो NRC CAA के प्रति कानून जनता के ऊपर थोपा गया है इसे लोगों के मन में बहुत घोर तकलीफ है। साथ ही हमारे जनता के बीच जो संपर्क किया गया उसमें लोगों के द्वारा ये कहा गया कि यदि अनीता भारती को विधानसभा का टिकट मिलता है तो हम लोग तन मन धन से हर स्तर से जी जान लगा करके इनको जिताने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं डॉक्टर गमा प्रसाद यादव अपने बड़े नेता लोग से प्रार्थना भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उनको टिकट मिले और अनीता भारती जनता के साथ कदम से कदम मिला करके रहेगी। और आज इसी सब के साथ हम लोग नए वर्ष की शुरुआत में सबको शुभकामनाएं देते हुए अनीता भारती के साथ भोरे विधानसभा के दौरा में इनके साथ निकले हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ नए वर्ष की शुभकामनाएं सभी जनता को, भोरे विधानसभा क्षेत्र 103 के सभी जनता जनार्दन को हार्दिक दिल से मैं प्रणाम सलाम करता हूं। धन्यवाद। सबसे तेज, सबसे आगे खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहे। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान, गरीबी के निशान, हमारे जवान, देश